किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं भारत की सबसे पुरानी कंपनी मणकू एग्रीकल्चर वर्कर्स, जो कि बरनाला पंजाब में है और ब्रांड नेम है जो उसका आपका क्रॉप पावर के नाम से है दोस्तों उसका। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मक्का थ्रेशर और इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। आज हमारे साथ वीडियो में शामिल होंगे हमारे कंपनी के सेल्स अधिकारी हैं, उनसे बात करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कंपनी में आने के लिए। और आज हम आपको जानकारी देंगे हमारे मेज थ्रेशर को, और इसमें हमने बहुत अच्छी क्वालिटी दी है और आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, जो आज हम थ्रेशर लेके आए हैं, इस थ्रेशर का काम क्या रहने वाला है? इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम इसका एलिवेटर उतार के इसको सिंपलली भी चला ले सकते हैं और एलिवेटर लगा के हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने दिया है कन्वेयर सिस्टम और एलिवेटर सिस्टम। अगर हम यहाँ से मक्का डालेंगे तो वो आसानी से चला जाएगा, नहीं तो पहले क्या होता था, यहाँ पे जाल लगा होता था, बंदे ऊपर खड़ते थे और मक्का डालते थे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों के भी उनको चोट ना लगे, इसी वजह से हमने कन्वेयर सिस्टम दिया है और जिससे हम आसानी से काम कर सकते हैं। और सर, मैं यहाँ पे देख रहा था, यहाँ पे आपने फैन लिख रखे थे, 1, 2, 3, 4, मैं औरों में देता हूँ आपका 1 या 2 फैन होता है, इसमें इतने फैन दे दिए ये? सर, इससे एक फायदा है, हमारी जो मशीन है उसमें जो बूस है मक्के का वो फंस जाता है, उसको आसानी से बाहर निकालने के लिए हमने ये ज़्यादा फैन दिए हैं और किसान भाइयों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से ज़्यादा फैन दिए गए हैं। इसका कोई और बात नहीं है, इसका सिर्फ फायदा ही है। सर, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, मैं मेन बातें आपसे पूछना चाहूँगा जल्दी से। हाँ, भी पहली तो बात, इसका आपने आप क्रॉप पावर नाम रखा है। हाँ जी, इसके बारे में जानकारी दीजिए सर। हमने इसका नाम क्रॉप पावर इसलिए रखा है क्योंकि लोग बहुत कॉपी कर रहे हैं मणकू एग्रीकल्चर को, और इसी वजह से हमने क्रॉप पावर को रजिस्टर करा लिया है। आपको कोई भी मशीनरी लेनी हो, आप क्रॉप पावर देखना, अगर उसके पास ऐसा स्टिकर ना लगा हो तो आप बिल्कुल मत लेना। और ये QR कोड है, आप इसको स्कैन करके हमारे बारे में सारी जानकारी ले सकते हो, और कोई भी कॉपी करता है तो नकल से सावधान रहिए प्लीज़। और सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसके मैं आगे मैं यहाँ पे बेल्ट देख रहा था। हाँ जी, इनकी मैं जानकारी दीजिए सर, इसका क्या काम रहने वाला है? सर, हमने इसमें किसान भाइयों का काम आसान किया है क्योंकि हम इस नट बोल्ट से इन्हें टाइट कर सकते हैं। अगर कोई बेल्ट टूटती है, पहले तो हम पूरी अच्छी क्वालिटी की बेल्ट देते हैं, वो जल्दी से नहीं टूटेगी। अगर किसान भाई धक्का करते हैं, कभी बारी हो जाता है, रेस ज़्यादा दे देते हैं, तो बेल्ट टूटने के चांस हो जाते हैं, और उसी वजह से उनका काम आसान करने के लिए, नहीं तो ये सारा कुछ खोलना पड़ेगा। आप नट डिले कीजिए, बेल्ट निकालिए और दूसरी बेल्ट निकाल ला दीजिए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। सर, जैसे आपने शुरू में वीडियो में बताया भी, यहाँ पे एलिवेटर सिस्टम दिया है। हाँ जी, और इस एलिवेटर का काम क्या रहने वाला है, और आपने यहाँ पे ये क्या लगा दिया, ये भी बताइए हमें। सर, ये हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम चेक कर सकते हैं भी यहाँ पे कुछ फंस तो नहीं रहा, हाँ हमारा काम आसानी से हो रहा है, इसी वजह से हमने ये लगाया है। और इसके कन्वेयर के बारे में जानकारी सर? ये एलिवेटर है, हमने ये इसीलिए लगाया है, हमने अगर ट्रैक्टर में सामान डालना है, इस नट को खोलेंगे और ट्रॉली भर सकते हैं इस नट से। हाँ जी हाँ, इससे बहुत काम आसान हो जाता है क्योंकि अगर हम वैसे डालेंगे उठा के तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे ऐसे करो, हाँ। ये हमने इस पर कुंडी दे दी है। अरे वाह, ऊपर कुंडी भी दी है। हाँ जी हाँ, रोकने के लिए आप अपना नट यहाँ पे चढ़ा दो, देखिए आप सीधा ट्रॉली में डालिए, आसान काम हो जाएगा। और नीचे हमने, कई भाइयों के पास ट्रॉली नहीं होती बड़ी जिसमें ये लग जाए, उसी वजह से बोरा भरने के लिए ये यहाँ पे कुंडी दी है, इससे हम बोरा भर सकते हैं मक्के का। और सर, जो किसान भाई दर्शक देख रहे हैं आपका मक्का थ्रेशर लेना चाहते हैं, तो वो कैसे और कहाँ से ले सकते हैं? आपको नीचे नंबर दिख रहे होंगे, आप उस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो मेरे चाचा जी उठाएंगे, मनप्रीत सिंह जी जो इस कंपनी के सेल्स मैनेजर हैं, उनके साथ आपकी बात हो जाएगी और आप वहाँ से मशीन बुक भी कर सकते हो। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें और किसान भाइयों को इतनी जानकारी दी, धन्यवाद जी। किसान भाइयों, अगर आप भी मणकू एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो इनका जो ब्रांड नेम है वो क्रॉप पावर के नाम से आप इनसे मशीन ले सकते हैं, और ये इनका लोगो है दोस्तों जी, आप ध्यान रखें, बहुत सारी कंपनी इसकी जैसी कॉपी कर रही हैं, आप उससे बचें। और दोस्तों, कंपनी के नंबर हैं जो नीचे मिल जाएंगे और स्क्रीन पर मिल जाएंगे, इससे बात करके मशीन ले सकते हैं। और एक खास बात बताना चाहता हूँ कि इस मशीन में जब इंडिया में, ऑल इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड कंपनी है और भारत में सब्सिडी इसमें मिल रही है, 50 से 80% सब्सिडी आप इस मशीन पे ले सकते हैं।
और बाकी सब्सिडी के लिए आप मशीन लेने के लिए नंबर मिल रहे हैं स्क्रीन पे, बात कर सकते हैं, मशीन को बुक करवा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।